एक इमोशनल सब्जेक्ट सिलेक्ट किया था जिसपे मैं इंस्पायर हुआ था, फिडलर ऑफ द रूफ। अब इसके लिए एक बैकग्राउंड चाहिए था मुझे, जहां वहां मिलिटेंसी नहीं थी मगर वहां मिलिटेंसी थी ज्यूस के अंदर और क्रिश्चियनिटी के अंदर। दिस वॉज द फर्स्ट फिल्म विच वॉज शॉट इन कश्मीर आफ्टर देयर हैड नॉट बीन एनी शूटिंग इन कश्मीर फॉर 10 ईयर्स। द स्टोरी इज अबाउट वन मैन एंड ही हैविंग 3 डॉटर्स एंड ही वॉन्ट्स टू गेट द मैरिड to suitable people, you know, and that's the story of his life. जो मेरी सबसे बड़ी बहन है इन द फिल्म, जो सबसे बड़ी बहन उसकी शादी है, और थ्रू द फिल्म टिल दिस पार्ट आई एम अ गीक, मतलब एक छल्ली जो होती है ना, तेल लगा के चली गई कहीं भी, टू फ्लैट्स, यू नो दैट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर। और इस पॉइंट से शी स्टार्ट्स फ्रॉम अ चाइल्ड, शी बिकम्स इन टू यू नो द चाइल्ड वुमन थिंग। सो दिस सॉन्ग इज अबाउट द मैरिज एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गर्ल कम्स आउट थ्रू दिस। या बेसिकली इट्स माई सिस्टर्स वेडिंग, तो वो शादी वाला गाना चल रहा है। दीपक has done an amazing job in the film. You know, he's taken this character, he's playing a tailor, a very poor tailor, and he shakes his head and he talks like that, which is very, very mesmerizing. And then there is Milind Gunaji, who is playing a very brave and a macho kind of a character in this. And he's, as I mean, one can easily see that he's made for a character like that. Then there's Mayuri playing Sundari, and I think Mayuri looks like a Kashmiri girl because of her eye color and everything. So she's absolutely fabulous in her role. Amrish Puri, without saying, is damn good as a milkman. He's very, very, very humble in the film. You know, that humility comes out of him in every scene. एंड बोथ द न्यू गर्ल्स शम्मा एंड माउली एक्सट्रीमली गुड। जो भी अप्रोप्रिएट जो कैरेक्टर मुझे लगा, मैंने उन्हीं को चुन के पिक्चर बनाई है, और लकीली सारे कैरेक्टरों ने इतना दिल से काम किया और परफेक्ट फिट बैठ गए। आप पिक्चर देखने के बाद मुझे सवाल ये नहीं पूछेंगे कि आपने उनको क्यों लिया, आप कहेंगे कि जी नहीं, यही करेक्ट कैरेक्टर।